सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, मनुष्य के इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का भी इतिहास है। मनुष्य का हृदय जब उल्लास से भर जाता है तब उसका शरीर स्वयं ही थिरकने लगता है, नृत्य करता है। नृत्य जब किया जाता है तब कोई इच्छा पूरी हो जाए, नृत्य तब किया जाता है जब आशाएं पूरी हो जाए, नृत्य तब किया जाता है जब सपने पूरे हो जाएं। बहुत प्राचीन समय में जब हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे तब उनका दिन, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। वे हर दिन मिलजुल कर इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते थे और हर दिन अपने इस विजय का उत्सव मनाते थे। वही हमारा आदिम नृत्य है। आदिम नृत्य की यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए आज हम यहां पहुंचे हैं। इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्य शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है। उन हृदयों में भाव भी एक है। उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है लेकिन जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उनके उन आशाओं का संबंध न सिर्फ उनके जीवन से है बल्कि पूरी मानवता से है। उनकी छोटी सी इच्छा हमेशा यही रही कि सृष्टि ने मनुष्य की यह प्रकृति सौंपते हुए जीवन जीने की जो जो अधिकार दिए वे अधिकांश अधिकार हमेशा कायम रहे। प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का एक जैसा अधिकार हो, पूरी मनुष्यता प्रकृति का एक जैसा उपभोग करे और मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करे। प्रकृति से जो उपहार हमेशा मिलते रहे हैं वे उपहार भावी पीढ़ी को भी मिलते रहना चाहिए। समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीके में भी बदलाव आया है। आज विकास के हमारी सोच दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक सोच वह है जिसमें हमारे आदिम मूल्य आज भी कायम है। दूसरी सोच वह है जो खुद को आधुनिक कहती है लेकिन वही प्रकृति की दुश्मन बनी हुई है। विकास की गलत अवधारणा के कारण से आज प्रकृति ही खतरे में पड़ गई है। इसके साथ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर भी खतरा बढ़ गया है। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 40-44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहाँ निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ उस दिशा में
हम लोगों को काम करना है। हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बचाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिया, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है। आदरणीय साथियों, वहीं आर्थिक रूप से संपन्नता लाने के लिए साथ ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज यह क्षण हमारे लिए आत्मगौरव का है, आत्मस्वाभिमान का है और आत्मस्वाभिमान के साथ जीवन जीने का है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जब हम लोगों ने शुरुआत की, तब हमने यह सोचा था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे, लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। कहने को तो यह राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन इसमें पहले आयोजन में जहां 24 राज्य, अनेक हमारी यूनियन टेरिटरी और 6 देश भाग लिए थे, और अब उसके बाद कोरोना काल के बाद यह आंकड़ा 2021 में जब हम लोगों ने आयोजन किया था, ये आंकड़े बढ़े और 27 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य और 7 देशों की टीम ने भाग लिया था। पहले साल 6 देशों ने भाग लिया था, दूसरे साल, दूसरे वर्ष में, दूसरे आयोजन में 7 विदेशी टीमों ने भाग लिया था। पहले में जहां बेलारूस, थाईलैंड, युगांडा, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हुए थे, तो दूसरे वर्ष फिलिस्तीन, स्वाजीलैंड, उज्बेकिस्तान, माली, श्रीलंका, नाइजीरिया, युगांडा के कलाकार भाग लिए थे। अब यह और बढ़ गया है। इस वर्ष 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 देशों जिसमें मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया और मालदीव के कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिला के देश और विदेश के 1500 कलाकार इस मंच में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। विदेशी आदिवासी कलाकारों के छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों को विदेश में प्रस्तुति का अवसर और मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस, नई दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। समझौता होने के लिए सहमति बनी है, जिसमें आदिवासी संस्कृति के प्रसार और विनिमय का दायरा बढ़ेगा। इस महोत्सव में प्रस्तुति के लिए आदिवासी नृत्य दलों का चयनित कर छत्तीसगढ़ भेजने में देश के विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, कल्चरल जोन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, यह उनका विजय दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे पुरखों का संघर्ष सफल हुआ था। आज ही के दिन अपने सपनों को सच करने का असली ताकत मिली थी। जाहिर है कि हर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़िया लोगों का दिल उत्साह से, उल्लास से भर जाता है, मन थिरक उठता है। राज्य स्थापना दिवस के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का यह स्वाभाविक संगम है। हम छत्तीसगढ़ के लोग भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दुनिया भर के जनजाति कलाकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, ये हमारे साथ यहाँ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, अपनी संस्कृति की खूबसूरती के रंग से हमारी संस्कृति को और भी सुंदर बना रहे हैं। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक दूसरे विचारों और अनुभवों को साझा करने का बड़ा अवसर भी है।
हम सब एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और मिलजुल कर सोचेंगे कि दुनिया को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी सुंदर धरती को किस तरह बचाए रखा जाए। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। आज शाम को राज्य अलंकरण समारोह है, उस दौरान भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। 3 दिनों तक मैं आपके स्वागत अभिनंदन के लिए लगातार उपस्थित होता रहूंगा। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, आप लोगों से बहुत सारी बातें सुननी भी है। मैं इस बहुत ही उल्लास के साथ इस तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आप सभी को इस तीसरे आयोजन के बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बहुत बहुत बधाई। सभी जनजाति कलाकार का छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत है। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।